लेट्स स्टार्ट विद दी मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. एक्चुअली में ये स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? स्लोप. ठीक है, व्हाट इज स्लोप? ठीक है, क्या चीज होता है ये स्लोप, क्या है, क्या ये चीज? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो बेसिकली ये चीज समझो कि 2D के अंदर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, एंड ऑल दैट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें तो तुम्हें मालूम है अभी. ठीक है, बट देखो स्ट्रेट लाइन को एक पर्टिकुलर प्लेन में डिफाइन करने के लिए वी नीड टू थिंग्स. ठीक है ना, मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन यूनिकली. ठीक है, दैट इज टू. दो कंडीशन चाहिए होती हैं एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए. खुद सोचो, एक पॉइंट, अब इस पॉइंट के थ्रू कितनी स्ट्रेट लाइन पास करेंगी? बाय इनफाइनाइट. तो अगर मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन को डिफाइन किया, दैट इज द पॉइंट ओनली, दिस पॉइंट ओनली, अगर सिर्फ यही कंडीशन को हमने डिफाइन किया, ठीक है, इसके अलावा और किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया, राइट, तो ऑब्वियसली यूनिक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, राइट. अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में आने वाली, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और पॉइंट भी पता है, तो इन दैट केस हम स्ट्रेट लाइन को फिक्स कर सकते हैं. तो ये जो डायरेक्शन, तो दो कंडीशन क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास करेगी, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन. ठीक है, अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर ये पॉइंट है तो डायरेक्शन का मतलब ये है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वो उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगी. ध्यान से देखो जरा, ठीक है ना, जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है लाइन का? एंगल मेड विद एक्स एक्सिस. इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं. ठीक है, एंड इसी डायरेक्शन को बेसिकली हम नाम देते हैं स्लोप. ठीक है, लेकिन व्हाट एक्चुअली स्लोप, स्लोप इज नॉट डायरेक्शन बट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन. स्लोप डायरेक्शन को ही डिफाइन करता है, बट व्हाट एक्चुअली स्लोप, ठीक है ना, अब स्लोप को डिफाइन करते हैं. ठीक है ना, स्लोप को डिफाइन करते हैं. स्लोप जो है ये दो तरीके से डिफाइन होता है. ठीक है, दो तरीके से डिफाइन होता है, ध्यान से देखना जरा कैसे. स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. This is called slope. अब बात पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, इसके बाद जाके मैं इसको जो अपना डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मीनिंग, उसके साथ रिलेट करूंगा. फिलहाल अभी स्लोप को समझने की कोशिश करो. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही है तुम्हारा अभी. ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही है. ठीक है, तो इसी को समझने की कोशिश करो. टेंजेंट ऑफ लाइन, टेंजेंट मतलब टैन थीटा. ठीक है ना, किस एंगल का थीटा, किस एंगल का टैन करना हमें? वो एंगल जो कि लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है एंड दिस इज द लाइन, तो इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, इस एंगल का पॉजिटिव डायरेक्शन इसके साथ, देखो दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है ना, तो ये वाला एंगल नहीं लेना ना. स्टैंडर्ड एंगल जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ डिफाइन होता है. ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर. तो ये एंगल का जो टैन थीटा होगा, दिस टैन थीटा विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन. दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा. ठीक है, ये चीज डिफाइन हो गई. मान लो
ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना। मान लो ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है, एंड ये दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास करिए, एक है एक्स वन वाई वन और दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स टू वाई टू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप क्या है, हमें निकालना है टेन थीटा। ठीक है ना, हमें स्लोप निकालनी है। एंड स्लोप को ना याद रखना एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमेशा स्लोप को एम से डिनोट करेंगे, यानी कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये निकालना है हमें। एंड हमें गिवन क्या है कि वो दो पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रही है। ठीक है, नाउ इन दिस केस स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, यहां से वर्टिकल लाइन लगाई, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर एंड ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा ये पॉइंट क्या है, x2 y2, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी x2, ठीक है, एंड ये लेंथ क्या हो जाएगी y2। सिमिलरली ये जो लेंथ है y एक्सिस से, ये क्या जाएगी x1, एंड ये लेंथ क्या जाएगी y1। ठीक है, ओके अब इनको यूज करके मेरे को ये लेंथ निकालनी है एंड ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x2 है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी, x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2। ठीक, अब देखो ये पूरी की पूरी लेंथ जो है ये y1 है, ये लेंथ y2 है, यानी कि ये लेंथ y2 है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, y1 माइनस y2, राइट। अच्छा, अब क्योंकि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा जो होगा वो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वाई वन माइनस वाई टू बाय एक्स वन माइनस एक्स टू, सो दिस इज नथिंग बट टेन थीटा, राइट। तो अब ध्यान से देखो जरा, अभी तक हमने क्या चीज डिफाइन की, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, क्या डिफाइन किया हमने, टेन थीटा, और इफ टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन। ठीक है, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप हमेशा लाइन का निकलता है, इसके अलावा और किसी चीज का नहीं निकलता है। ठीक है, याद रखना स्लोप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन का डिफाइन होता है, लाइन के अलावा और किसी चीज का डिफाइन नहीं होता। तो लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, या तो टेन थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, जो लाइन एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और अगर उसी लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन, देन स्लोप इज नथिंग बट वाई वन माइनस वाई टू ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू। अब इसी को माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बेसिकली स्लोप क्या होती है, या तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बेसिकली डेल्टा वाई का मतलब y1 माइनस y2, डेल्टा x का मतलब x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, दोनों में से जो मर्जी कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो और ये दोनों दोनों स्लोप हैं, तो दोनों बराबर हैं हमारी, तो बेसिकली m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। इस चीज को स्लोप बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री, फाइंड दी स्लोप। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है, दैट इज टेन 45 डिग्री m, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 135 डिग्री, फाइंड स्लोप। ठीक है, डायग्रामेटिकली ये देखो, ये वाला क्या जाएगा, x एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री एंगल बना रही है तो tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो स्लोप 1 आ जाएगी। अब ऐसे ही इसके अंदर वो tan 45 डिग्री नहीं आएगा, अब यहां पे आएगा tan 135 डिग्री। अब 135 डिग्री ऐसा रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो इस वाली लाइन का स्लोप जो होगा, इस लाइन का स्लोप क्या जाएगा, दैट इज tan 135 डिग्री, दैट इज नथिंग बट माइनस 1, तो इस लाइन का स्लोप माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
इसका स्लोप क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक। और ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेक्स एंगल 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाती है, तो देयरफॉर इसका जो स्लोप होगा एम वो क्या आ जाएगा, टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 तो 0 होता है, तो इसका स्लोप आ जाएगा 0। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप या फिर लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी नॉट 0 डिग्री, 0, ठीक है। सो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस स्लोप इज 0, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल लाइन का स्लोप, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब कोई भी पर्टिकुलर लाइन हो सकती है वाई एक्सिस के पैरेलल। अब इसका एंगल कितना जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एम इज टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइंस स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब तो अभी तक तो हमने ये देखा एंगल के अकॉर्डिंगली स्लोप कैसे निकलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो और एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है कि एक लाइन है जो 1.2 से पास कर रही है एंड 7.4 से पास कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब देखो अगर मैं इसको x1 y1 कंसीडर कर रहा हूं तो ये मेरा x2 y2 बन जाएगा, राइट। अब मैं चाहे दिस माइनस दिस करूं, चाहे दिस माइनस दिस करूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, तो क्या आ जाएगा, y1 इज 4 माइनस y2 इज 2 डिवाइडेड बाय x1 इज 7 माइनस x2 इज 1, तो क्या स्लोप आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज 1/3, ठीक है। अच्छा काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है यार कैसे पता चलेगा कि दिस माइनस दिस करना है या फिर दिस माइनस दिस करना है। अगर मैं उल्टा करता हूं, ठीक है, तो दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो देखो क्या जाएगा, करना याद रखना न्यूमरेटर में आएगा वाई, ठीक है। चाहे दिस माइनस दिस करो, चाहे दिस माइनस दिस करो, फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में वाई आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7, ठीक है। डेल्टा वाई यानी कि 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स यानी कि 1 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज -2 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कटा तो अगेन 1/3। तो फर्क नहीं पड़ेगा तुम इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से माइनस करो, अपने आप वो नेगेटिव साइन बैलेंस आउट हो जाएगा और स्लोप सेम आएगी, ठीक है। तो दो पॉइंट अगर हमें दे रखे हैं तो उसके थ्रू स्लोप इस तरीके से निकलेगी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो अज्यूम करो ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दिस केस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/3, जो हमारा स्लोप निकला है, याद रखना ये चीज, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा स्लोप निकला है ये होगी हमारी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 4.3, फाइंड द स्लोप, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 4.3, ठीक है। इन दिस केस उस लाइन का स्लोप क्या होगा वो हमें निकालना है, बात खत्म, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो जरा, ओरिजिन से पास कर रही है एंड 4.3 से पास कर रही है, तो ये लाइन का स्लोप निकालना, तो दो पॉइंट हमें पता है, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, दैट इज y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज 4 माइनस 0, दैट इज 3/4। तो इस लाइन का स्लोप 3/4 आ जाएगा, मतलब ये जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी उस एंगल का टेन क्या होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो दिस इज दी स्लोप, इस तरीके से स्लोप निकाली जाती है। स्लोप क्या चीज है, मैंने वो चीज बताई तुम्हें, ठीक है। यहां तक अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो प्लीज बताओ, प्लीज मोस्ट वेलकम, कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज बताओ, शाबाश।
आयुष, अनीश, अर्पित, अर्शिया, अर्शा गर्ग, अर्शा गुलाटी, एशिका, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुरकिरत भाई, गुरकिरत, हिमानी, मानस, क्लियर है? स्लो। यस सर। ठीक ठीक यस सर। ठीक गुरकिरत भाई क्लियर है? अरमान क्लियर हो रहा है? स्लोप भाई, अनीश? हाँ जी। ठीक 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 नमन, प्रणव, राजवीर, सारिशा, क्लियर हुआ स्लोप? यस सर। ठीक साहेब, शौर्य, शुभी, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। ये आवाज को क्या हुआ, किसकी आवाज थी ऐसी? शौर्य क्या हो गया? सर थोड़ा सा जुकाम हो गया है। ओके ओके। सूर्यांश, तनिष, तुषार, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है सूर्यांश। यस सर। ठीक 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 है। चलो अब आगे देखो जरा, अभी तक इसका मीनिंग नहीं मैंने बताया, ठीक है? निकालनी कैसे है वो चीज बताइए, होती क्या है मैंने वो चीज बताई है, बट स्लोप का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी सर, मेरा ना वो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा था, तो फिर वर्टिकल एंगल वर्टिकल लाइन स्लोप के बाद बता दोगे क्या क्या करवाया? भाई वर्टिकल लाइन के बाद हमने छोटा सा एक पॉइंट किया, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद अगर एग्जांपल की थी हमने कि अगर दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये चीज, ठीक है 1.2 एंड 7.4, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि दिस माइनस दिस करो चाहे दिस माइनस दिस करो फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? 4-2, न्यूमरेटर में रखना डेल्टा वाई, बस ये चीज याद रखो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 2-4 डिवाइडेड बाय 1-7, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 1/3, या फिर 4-2 डिवाइडेड बाय 7-1, तो वो भी आ जाएगा 1/3। तो जैसे मर्जी देखो, इसका मतलब है स्लोप इसका 1/3 आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि ये जो लाइन जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उसका टैन थीटा क्या जाएगा? 1/3। बात समझे? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है एंड 4.3 से पास करे, तो उसका स्लोप अगेन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्या जाएगा? 3-0 डिवाइडेड बाय 4-0, तो क्या आ जाएगा? 3/4, यानी कि इसका भी जो टैन थीटा होगा वो क्या आ जाएगा? 3/4। हाँ जी भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो जरा, ठीक है? लेट्स से शुभी माइक ऑन करो। यस सर। शुभी ध्यान से देखना, अज्यूम करो एक लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप है 2, ठीक है, इसका m 2 है, वी डोंट केयर अबाउट दी एंगल, एंगल क्या आ रहा है वी डोंट केयर, ठीक है, इसका स्लोप 2 आ रहा है। अब स्लोप हमारा क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना? यस सर। राइट, अब देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, हाँ या ना? यस सर। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अज्यूम करो इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा एक्स अगर हमारा 1 है, यानी कि एक्स में चेंज कितना आ रहा है? 1, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 2, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट से अगर मैं 1 यूनिट एक्स आगे जाऊंगा तो वाई कितना बढ़ेगा? 2 units। वो स्लोप होगा, उसी चीज को स्लोप होते हैं। खुद सोचो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर मेरा एम है, राइट, अब डेल्टा एक्स अगर मेरा 1 है तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो यानी कि एक्स अगर मेरा 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि एक्स के अंदर मैं वैल्यू 1 बढ़ा रहा हूं, तो वाई में कितनी वैल्यू बढ़ेगी? एम, और एम समझे चीज, इस चीज को बोलते हैं स्लोप, ठीक है? अब देखो इसका मतलब ये है, अगर शुभी ये है मेरा स्लोप एम इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा एक्स मेरा 1 है तो इसका डेल्टा वाई भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स में 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो वाई में भी कितना यूनिट बढ़ेगा? 1 यूनिट। खुद सोचो, अगर ये 0.3, 4 है और इस लाइन का स्लोप 1 है, तो एक्स में 1 यूनिट बढ़ाओ तो एक्स क्या हो गया फिर? एक्स में वन यूनिट बढ़ाया तो एक्स क्या बन जाएगा फिर? 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। तो इसका वाई क्या हो जाएगा फिर? 4 की जगह 5। परफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। सोचो कि अगर इसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है तो ये एंगल कितना जाएगा? 45। तो ये जो लाइन जिसका स्लोप 1 है उसका एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। परफेक्ट, ठीक है? मतलब स्लोप का क्या होता है कि x में अगर मैंने 1 यूनिट चेंज किया
तो वाई में कितना चेंज आएगा उस चीज को स्लोप बोलते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, ये चीज क्लियर हुई कि एक्स? हाँ जी हिमानी बोलिए। नो क्लियर है सब कुछ? यस सर। अच्छा हिमानी माइक ऑन करो। हाँ जी। ठीक है, अब देखो जरा, मैं दो लाइन लेता हूं, ठीक है, अज्यूम करो ये वन है, एक लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, ठीक है, यहां पर मैंने ट्रायंगल बनाया। अब मेरे को ये बताओ कि ये एंड ये, इसका एंगल आ रहा है थीटा वन, इसका एंगल आ रहा है थीटा टू, ठीक है, ये आ गया थीटा वन के कोरस्पोंडिंगली हाइट आ गई वाई वन, थीटा टू के कोरस्पोंडिंगली हाइट आ गई वाई टू, बात समझे? अब देखो, हाँ जी सर, ये लाइन ले लो लाइन टू, ये लाइन ले लो लाइन वन। अब अगर मैं लाइन वन की बात करूं हिमानी, तो एक्स में मैंने अगर चेंज किया वन, ठीक है, तो वाई में कितना चेंज आ रहा है? वन का नहीं नहीं वाई में आ रहा है वाई वन। क्या सर? अच्छा एक सेकंड रुको, अब देखो जरा, ये वाई टू भूल जाओ, ठीक है, देखो दिस इज वाई वन, अब लाइन वन इज दिस, लाइन वन के अंदर अगर मैंने एक्स में वन चेंज किया तो वाई में कितना चेंज आ रहा है? y1 का परफेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज? हाँ जी। अच्छा लाइन टू में अब ये चीज सोचो कि अगर मैंने x में वन चेंज किया, अब अज्यूम करो दिस इज y2, तो डेल्टा y कितना? सो इसमें y2 माइनस y1 आएगा? नहीं नहीं ये टोटल लेंथ आएगी ना, ये हाइट होगी। ओके सर, ठीक है ना, तो इसमें y में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज y2, समझे ना चीज? हाँ जी। अब क्लियरली आपको मालूम है थीटा टू जो एंगल है वो ज्यादा है। हाँ जी। राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका स्लोप क्या जाएगा? इसका स्लोप होगा m1, क्या आ जाएगा? डेल्टा y by डेल्टा x, that is y1, एंड इधर क्या आ जाएगा आपका m2, that is डेल्टा y by डेल्टा x, that is y2। हाँ जाना, अब मेरे को ये बताओ कि y1 ज्यादा है या y2 ज्यादा है? So y2 यानी कि m2 is greater than m1, क्योंकि y2 is m2। हाँ जी। m2 ज्यादा मतलब लाइन टू का स्लोप ज्यादा। अब ये पता क्यों हुआ? क्योंकि इसका एंगल ज्यादा होगा। अब खुद सोचो, ये लाइन है, इसका अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो x वन चेंज होने पे y किसका ज्यादा चेंज हो रहा है? ऊपर वाली लाइन का। हाँ या ना? हाँ जी। ऐसे ही अगर मैंने एंगल कम कर दिया तो y कम चेंज होगा x के वन चेंज होने पे, अगर एंगल ज्यादा कर दिया तो y ज्यादा चेंज होगा x के वन चेंज होने पे, बात समझे? हाँ जी। तो कहना ये चाहते हैं हम कि जैसे जैसे वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्या सर एक बार फिर बोलना? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। हाँ जी। क्लियर हुई? यस सर। गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब एंगल वर्सेस स्लोप, किस एंगल पे क्या स्लोप बनेगी, कैसे कैसे सब कुछ जाएगा, ये चीज को समझो, ठीक है, ध्यान से। x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, मैं एंगल किस तरीके से बता रहा हूं, देखो 45 डिग्री, वन 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है, सिर्फ इन्हीं के लिए करेंगे क्योंकि नीचे हमारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ओके, लेट मी टेक द हेल्प ऑफ अरमान। अरमान माइक ऑन करो। यस सर। अरमान, कोई भी लाइन जिसका एंगल 0 डिग्री है उसका स्लोप क्या जाएगा? सर इसका स्लोप 0 जाएगा। परफेक्ट, तो यहां पे m इक्वल टू 0 हो जाएगा। हां जना? यस सर। अच्छा किसी भी लाइन का स्लोप 45 डिग्री है तो उसका स्लोप क्या जाएगा? 1। तो इसका m 1 हो जाएगा। हां जना? यस सर। अच्छा किसी भी लाइन का स्लोप एंगल अगर 135 डिग्री है तो उसका स्लोप क्या जाएगा? -1। और 180 डिग्री है तो 0, tan 180 डिग्री 0, परफेक्ट, बात समझे? यस सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, tan 90 डिग्री तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा m नॉट डिफाइन, ठीक है, लेकिन जस्ट 90 डिग्री से पहले जो एंगल होगा 89 डिग्री 89.9 डिग्री, वहां पे tan की वैल्यू क्या होती है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होगा।
तो क्या वैल्यू क्या होगी सर? ग्रेटर देन जीरो। अच्छा आप रहने दो, कोई और बताए जरा। 90 डिग्री से जस्ट पहले वाला जो एंगल होगा, ठीक, लेट्स से 89.9999 डिग्री, यहां पर टेन की वैल्यू क्या होगी? जल्दी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, परफेक्ट। अरमान याद आ रहा है? यस सर। पक्का? तो पहले क्यों नहीं बोला फिर? तब पता नहीं चला। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, 90 डिग्री से अगर हल्का सा भी एंगल ज्यादा है, वहां पे टेन की वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। परफेक्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर स्लोप रहेगी इन्फिनिटी, क्योंकि टेन नाइनटी टेन की वैल्यू तो स्लोप होती है, राइट? तो यहां पर स्लोप रहेगी इन्फिनिटी, यहां पर स्लोप रहेगी तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी। हाँ या ना? यस सर। स्लोप का वेरिएशन अब कैसे हो रहा है? दोबारा दोबारा स्लोप का वेरिएशन देखो क्या हो रहा है, ठीक है? यहां पर स्लोप है तुम्हारी जीरो, 45 डिग्री तक, ठीक, 45 डिग्री तक स्लोप की वैल्यू जीरो से बढ़ते 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 क्या चली गई? वन। यानी कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप जीरो टू वन के बीच में है, जैसे स्लोप वन बाय टू हो गया, स्लोप वन बाय थ्री हो गया, उसका एंगल क्या होगा? जीरो टू 45 डिग्री के बीच बीच में रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। बाकी सबको प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई। देखो एक बार रिपीट करना। हिमानी माइक ऑन करो। हाँ जी। हिमानी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या रहेगा? सर जीरो। कोई भी लाइन जिसका एंगल 45 डिग्री उसका स्लोप क्या रहेगा? वन। तो बेसिकली अब कोई भी ऐसे ऐसे जैसे जैसे लाइन का एंगल बढ़ेगा जीरो से 45 डिग्री, तो उसका स्लोप जीरो से वन जाएगा। हाँ जी। यानी कि ये जितनी भी लाइंस हैं इसके बीच बीच में जो लाइन करेंगी उनका सबका स्लोप क्या रहेगा? जीरो टू वन के बीच में। हाँ या ना? हाँ जी। तो जैसे वन बाय टू, वन बाय टू क्या होता है? पॉइंट फाइव। तो दैट लाइज बिटवीन जीरो टू वन। वन बाय थ्री, टू बाय फाइव। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन, ये वाली स्लोप वाली जितनी भी लाइन होंगी वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगी उनका एंगल क्या रहेगा? जीरो टू 45 डिग्री के बीच बीच में। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ये चीज मैं समझा रहा था, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है यस सर। हिमानी माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। अब हमने अभी जस्ट बात की कि यहां पर स्लोप क्या होती है, जस्ट इसके पहले इन्फिनिटी है ना? हाँ जी सर। अब देखो जैसे जैसे आगे जाओगे एंगल, जैसे जैसे आपका 45 से 90 की तरफ जाएगा तो स्लोप की वैल्यू क्या जाएगी? 1 से लेके इन्फिनिटी की। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर इन्फिनिटी के बीच बीच में है, जैसे m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 10, स्लोप की वैल्यू अगर ये है, तो इन दैट केस वो सारी लाइन का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में होगा। आई होप क्लियर हुआ? जी सर। गुड। जैसे ही एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइन हो जाएगी, 90 के जस्ट बाद स्लोप माइनस इन्फिनिटी होगी। अब ये एंगल 135 डिग्री, अब ये स्लोप हो जाएगी आपकी माइनस वन एंड यहाँ पे स्लोप हो जाएगी जीरो। अब ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन स्लोप होगी तो एंगल आएगा आपका 90 डिग्री से 135 डिग्री। बात समझे? यस सर। ऐसे ही 135 से 180 डिग्री के बीच में स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन से लेके जीरो। यस सर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। अगर मैंने आपको बोला कि एक लाइन है जिसका स्लोप है माइनस सेवन, तो उसका बताओ एंगल कहां से कहां तक होगा, तो क्या होगा एंगल? तो माइनस सेवन का, अगर स्लोप माइनस सेवन है तो माइनस सेवन लाई करता है यहाँ पे, करता है यहाँ पे, करता है या यहाँ पे लाई करेगा? कहाँ पे करेगा सर? 135 में, यहाँ पे, राइट? हाँ जी। तो इसका एंगल क्या होगा? 90 से लेके 135 डिग्री। यानी कि ये जो भी लाइन है जिसका स्लोप माइनस सेवन है इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से लेके 135 डिग्री के बीच बीच में। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? यस सर। तो ये स्लोप वर्सेस एंगल का समझ आया कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ जी। अब मेरे को बाकी जिसका भी जो भी डाउट है प्लीज बताओ, डाउट बताओ। प्रणव, लावण्या, गुरकिरण, yes, मानस, क्लियर हुआ? सर। हाँ जी, हाँ जी मानस। सर स्लोप इनफिनिटी का क्या मतलब होगा? भाई स्लोप इनफिनिटी का मतलब ये है कि एक्स में अगर मैंने वन चेंज किया तो वाई की वैल्यू इनफिनिटी बढ़ेगी। अब देखो, अब अज्यूम करो एक लाइन ऐसी है जिसका एंगल जा रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री,
बट 90 से हल्का सा थोड़ा सा छोटा है 89.999 डिग्री, तो ऐसी लाइन जाएगी वो, ऐसी कुछ लाइन होगी राइट। अब ये सोचो yes, ये तो ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन है, हाँ या ना, राइट, इट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन। अब इसके अंदर एक्स में वन चेंज करोगे तो वाई में कितना चेंज आएगा, इन्फिनिटी, दैट इज व्हाई इट इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। यस सर, ठीक है ना। अब ये सोचो कि अगर उससे एंगल हल्का सा बढ़ गया तो स्लोप माइनस इन्फिनिटी हो जाती है राइट। अब ये माइनस इन्फिनिटी क्यों हुई, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि अगर एक्स वन बढ़ा तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी कम हो जाएगी। माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कम हो जाएगी। अब देखो कैसे, ये लाइन नीचे की तरफ लेके जाओ, अब देखो जरा, एक्स की वैल्यू अगर वन बढ़ी तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी कम हो जाएगी, बात समझे। देखो वाई ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई बढ़ेगा, नीचे की तरफ आओगे तो वाई कम होगा, बिल्कुल ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब एक और चीज बताता हूं, यहां पर तुमने अगर ऑब्जर्व किया है कि जो भी लाइन एंगल बनाएगी 0 से 90 डिग्री उसका स्लोप रहेगा पॉजिटिव, जो भी लाइन एंगल बनाएगी 90 से 180 डिग्री इसका स्लोप रहेगा नेगेटिव। ये चीज समझ में आई, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, यहां पर भी स्लोप राइट। अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप पॉजिटिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप नेगेटिव, ठीक है ना। ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, उतना ज्यादा स्ट्रेट लाइन तुम एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे, ये चीज याद रखना। और कहीं पे गलत तुमने अगर प्लॉट कर दी तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ हमने गलती कर दी है, ठीक है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब ध्यान से देखना जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप पॉजिटिव एंड स्लोप नेगेटिव, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि टेन थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है स्लोप पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, मतलब इफ डेल्टा एक्स इज प्लस वन, मतलब वाई में मैंने एक वन चेंज किया तो वाई की वैल्यू मैंने वन बढ़ाई तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा इसका, डेल्टा वाई वुड बी पॉजिटिव राइट। मतलब अगर एक्स में वन चेंज किया तो वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा मतलब लाइन ऐसी जाएगी, यानी कि उसका एक्यूट एंगल रहेगा। लेकिन अगर मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब यह कि अगर डेल्टा एक्स मैंने प्लस वन रखा, मतलब एक्स में मैंने वन इंक्रीज किया, बट स्टिल इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब अज्यूम करो ये पॉइंट था, अब एक्स में अगर मैंने वन इंक्रीज किया तो वाई नेगेटिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा मतलब वाई कम होगा, कम होगा मतलब वाई नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि लाइन ऐसी बनेगी। अब ऑब्वियसली इन दिस केस एंगल जो जाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये चीज पता चली कि स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल जाएगा जाएगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव का, प्लीज कंफर्म करो। स्लोप नेगेटिव का ना भाई, देखो अगर स्लोप नेगेटिव हुई तो इसका मतलब, देखो स्लोप का मतलब क्या होता है कि एक्स में वन चेंज करना तो वाई में कितना चेंज आएगा, बात समझे। एक्स में वन यूनिट चेंज करने के बाद वाई में कितना चेंज आएगा उसको स्लोप बोलते हैं, बात समझे ना। यस सर। तो एक्स में मैंने वन यूनिट चेंज किया तो वाई में कितना चेंज आएगा, नेगेटिव, हाँ या ना, अगर स्लोप नेगेटिव है तो। हाँ जी। तो स्लोप में नेगेटिव चेंज आया, स्लोप में, अब देखो डेल्टा वाई में नेगेटिव चेंज आया, वाई में नेगेटिव चेंज आने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं वाई ऊपर जाऊंगा तो वाई में पॉजिटिव चेंज आएगा क्योंकि वाई बढ़ेगा। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। नेगेटिव चेंज का मतलब क्या होता है, कम होना। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि डेल्टा वाई इज पॉजिटिव, अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वाई इज नेगेटिव। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब देखो एक्स में मैंने वन यूनिट चेंज किया, अब वाई में नेगेटिव चेंज आना चाहिए, यानी कि वाई नीचे की तरफ आना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट तक पहुंच जाएंगे हम। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अब जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी अगर इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है भाई, 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल, तो फिर नेगेटिव हो, इसलिए स्लोप नेगेटिव होगी। तो स्लोप नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल बनेगा। समझ में आया चीज। यस सर। पक्का कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट स्लोप के अंदर जो अभी तक हमने किया है जिस तरीके से, ठीक है, कोई भी डाउट है राइट, तो प्लीज बताओ। स्लोप को निकालने के दो तरीके तुम्हें मैंने बताए हैं, अगर एंगल दे रखा है तो स्लोप निकल आएगी, ठीक, और अगर दो पॉइंट्स दे रखे जहां से लाइन पास कर रही है
तो दोनों का डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स करो तो स्लोप निकल आएगी। स्लोप का मीनिंग मैंने समझाया है कि एक्स में वन यूनिट चेंज होने पर वाई में कितना चेंज आ रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कहां कहां पे लाइन लाई करेगी, एंगल के अकॉर्डिंगली, वो चीज मैंने समझाई, राइट। कोई भी कंफ्यूजन है किसी में भी, ठीक, प्लीज बताओ। ये स्पेशल केसेस थे कि 45 डिग्री वाली लाइन का स्लोप 1 होता है, 135 डिग्री वाली लाइन का स्लोप -1 होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली उसका स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री। चलो तो ये था स्लोप, ठीक है, दिस इज वन कंसेप्ट जो आज हमें डिस्कस करना था, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेरिवेटिव टिल नाउ। अब सेकंड कंसेप्ट इज, अब डेरिवेटिव में मैं वापस आ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन अभी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं वापस डेरिवेटिव पे आ रहा हूं क्योंकि अभी हमें डेरिवेटिव का मतलब समझना है, ठीक है। अच्छा, तो डेरिवेटिव का मतलब समझने के लिए सबसे पहले अब हम ये देखेंगे, समझेंगे कि टेंजेंट क्या होती है, ठीक है। तो टेंजेंट को सबने ऑलरेडी सुन रखा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज अ टेंजेंट। लाइन बोलते हैं ना, लाइन टेंजेंट है, राइट। तो किसको लाइन को, किस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं हम, मानस? यस सर। मानस टेंजेंट क्या होती है सर? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन किसके परपेंडिकुलर? सर एक गिवन पॉइंट से या लाइन से। देखो भाई, अगर मेरे को ये चीज बतानी है, मान लो ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, यस सर, कहां परपेंडिकुलर बनूं मैं सर, राइट या लेफ्ट किसी भी साइड? तो भाई देख, 90 डिग्री एक लाइन के साथ बनता है, कर्व के साथ 90 डिग्री में कैसे बनाऊं भाई, बात समझ रहा है? यस सर। कर्व के साथ तो एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, एंगल तो भाई स्ट्रेट लाइंस के बीच में डिफाइन होता है, कर्व के बीच में नहीं डिफाइन होगा। कर्व के बीच में कैसे डिफाइन होता है वो भी हमारा कंसेप्ट है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, वो 12th का पार्ट है हमारा। लेकिन यहाँ पर टेंजेंट का मतलब पता क्या होता है, अब ध्यान से समझना, सर्कल के केस में टेंजेंट क्या होती है? हाँ भाई सर, जो उसको वन पॉइंट पे टच करे, टच करके जाए, राइट। अब कर्व के केस में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होता, नॉट बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो, जो टच करके जाएगी वो टेंजेंट होगी, बात समझे मानस? यस सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन टेंजेंट की क्या होती है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट। देखो, ये जो चीज मैं अभी समझा रहा हूं ना, ये पहली बात तो डेरिवेटिव का मीनिंग तुम्हें क्लियर करेगा, प्लस 12th का एक टॉपिक है ये, उस टॉपिक के अंदर तुम्हारा बेस बनाएगा, क्योंकि अगर ये चीज तुम्हें अभी बताया ना तो 12th में वो टॉपिक को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डायरेक्टली आता होगा, ठीक है। इसलिए ये डेरिवेटिव का मीनिंग मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से प्लीज समझने की कोशिश करना, ये 12th का बेस बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब आई होप तुम्हें याद है कि सर्कल के केस में इस लाइन को सीकेंट बोलते हैं, राइट मानस? यस सर, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही सीकेंट क्या होती है? जो दो पॉइंट पे कट करके जाती है, तो इस कर्व की सीकेंट क्या होगी जैसे ये, बात समझे? यस सर। अब इस सीकेंट का क्या करना है हमें? लिमिटिंग केस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग केस? लिमिटिंग केस का मतलब ये है कि देखो, मान लो मेरे को इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, पी पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट पे बनाऊंगा सीकेंट। अब क्या करूंगा, ये जो सीकेंट है इसको धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इसका लिमिटिंग केस निकालूंगा। लिमिटिंग केस का मतलब क्यू पॉइंट को धीरे धीरे करके पी के पास लाता रहूंगा, बात समझे? यस सर। इस चीज को बोलते हैं लिमिटिंग केस। तो देखो, जब क्यू पॉइंट इधर आया तो जो सीकेंट है वो बन जाएगी ये, फिर सीकेंट बनेगी ये, फिर सीकेंट बनेगी ये, फिर सीकेंट बनेगी ये, फिर सीकेंट बनेगी ये, और जब क्यू बहुत पास आ जाएगा, इतना पास कि दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, तो इन दैट केस ये सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट। यस, सो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट। आई होप क्लियर हुआ टेंजेंट क्या होती है। सर्कल के केस में भी एक्चुअली में यही बनती है, सर्कल के केस में भी यही बनती है। सर्कल के केस में भी सीकेंट बनाएंगे तो उसका लिमिटिंग केस लेंगे तो अपने आप वो टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन याद कराने के लिए स्कूल में हमें वो डेफिनेशन बोल देते हैं कि जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है उसको हम सीकेंट बोलते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट इज कि लाइन, सॉरी, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट। आई होप इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। आई होप क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। नो सर। तनिश भाई क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, श्रेयांश समझ आ रहा है भाई? सारिशा
साहिब, शुभी, यस सर, हिमानी, क्रिश, लवण्या, प्रणव, राजवीर, क्लियर हो रहा है? यस सर। अर्शिया, ऐशिका, अर्पित, अरमान, आयुष, क्लियर हो रहा है भाई? अनीश, यस सर। ठीक, गुरु, यस सर। गुरकिरत भाई बोल ले। यस सर, क्लियर है। अरे क्या बात है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, तो टेंजेंट का हमें पता चल गया क्या चीज होती है। अब हाउ दिस टेंजेंट, ठीक, हाउ दिस टेंजेंट कंसेप्ट एंड दिस स्लोप कंसेप्ट विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इस चीज को कैसे डिफाइन करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मान लो ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक, दिस इज ए पॉइंट, इससे h डिस्टेंस आगे जाके हमने एक और पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली a प्लस h। ए पॉइंट पे आउटपुट क्या आएगा फंक्शन का, एफ ऑफ ए। ए प्लस एच पे आउटपुट क्या आएगा फंक्शन का, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जो हाइट आएगी, दिस हाइट इज नथिंग बट ये वाली हाइट, ये वाली हाइट क्या है तुम्हारी, एफ ऑफ ए प्लस एच, इस पॉइंट की हाइट, दैट इज ये वाली हाइट। ठीक है, ये वाली हाइट क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए, तो ऑब्वियसली ये वाली हाइट क्या आ जाएगी बीच में, ठीक है, ये वाली हाइट क्या आ जाएगी, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस विल एक्ट एज डेल्टा वाई। ठीक है, सिमिलरली ये है ए प्लस एच, अच्छा चलो ये तो पता ही हमें, ये एच है, ठीक, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच। ठीक है, नाउ नाउ ध्यान से समझना इस चीज को, याद करो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, लिमिट h tends to zero, f of a plus h, ये x वाला नहीं मैं बोल रहा, एक पर्टिकुलर पॉइंट वाला बोल रहा हूं, f of a divided by h, I hope ये चीज याद आई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का तरीका याद आ रहा है ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, दिस इज नथिंग बट राइट, तो जो डेरिवेटिव हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसी को बोलते हैं ना हम dy by dx, इसी को बोलते हैं ना हम dy by dx, राइट, तो dy by dx क्या आया, दैट इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब इसका मीनिंग समझो क्या चीज हो रही है, यार देखो हम लिमिट लगा रहे हैं एच टेंड्स टू जीरो पे। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ जरा ये चीज, ठीक है, ये डायग्राम मैं दोबारा नीचे बनाता हूं, किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ में पूछना, मतलब बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, साथ साथ में क्लियर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो अब देखो दोबारा देखो जरा, इसमें जो चीजें नहीं चाहिए मैं वो हटा रहा हूं, जैसे ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, लेट से ये एंगल है फाई, कौन सा एंगल है, जो ये पी क्यू सीकेंट, पी क्यू विलेक्ट है सीकेंट, ठीक है, क्योंकि ये इस कर्व के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, तो PQ इज नथिंग बट सीकेंट एंड एंगल ऑफ PQ इज नथिंग बट phi। ठीक है, तो अब PQ लाइन का एंगल, अगर PQ लाइन का एंगल अगर phi है तो PQ का स्लोप क्या जाएगा, ठीक, दैट इज स्लोप ऑफ PQ इज नथिंग बट tan phi एंड दैट इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, मतलब एच, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस लाइन में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखो जरा, ठीक है,
स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, जो पी क्यू एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो है एंगल फाई, तो उसका टेन फाई, ठीक, दैट इज नथिंग बट टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या आ रहा है तुम्हारा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया, और उसको फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की फॉर्म में भी लिख लिया। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर इसी की लिमिटिंग केस जो होती है वही डेरिवेटिव होता है ना, इसी का लिमिटिंग केस डेरिवेटिव होता है, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट लगानी है, क्या लिमिट लगानी है, वी हैव टू इंप्लीमेंट द लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स एच ही है हमारा। अब धीरे धीरे करके एच को जीरो करना। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे एच जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कम होता रहेगा, राइट, ये डिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पहले यहां पे आएगा, यानी कि क्यू पॉइंट यहां पे आएगा, फिर 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 क्यू पॉइंट यहां पे आएगा, तो धीरे धीरे करके क्यू पॉइंट जो है ये पी के आसपास आता रहेगा। तो जैसे जैसे क्यू पॉइंट क्लोज आ रहा है पी के, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ध्यान से देखना आप ये चीज, वैसे वैसे ये जो पी क्यू सीकेंट है इसका लिमिटिंग केस में क्या बन जाएगा, पी पे टेंजेंट, ये पी पे टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि जैसे एच टेंड्स टू जीरो होगा ये चीज होगी, तो जो सीकेंट है हमारी वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है लाइन, तो वैसे वैसे एंगल भी कम होता जा रहा है, राइट, और लास्ट में जाके लिमिटिंग केस में क्या जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, यानी कि जो फाई है वो धीरे धीरे कम होके वो थीटा की तरफ जा रहा है, राइट, यानी कि जो फाई है वो धीरे धीरे कम होके थीटा की तरफ जा रहा है, और थीटा एंगल किसका है, थीटा एंगल इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये चीज है कि इसके ऊपर लगाओ लिमिटिंग केस, क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू, अब यहां पे थीटा एंगल यूज हो रहा है तो यहां पे थीटा की लिमिट लगेगी, तो लिमिट फाई टेंड्स टू थीटा टेन फाई इक्वल टू, यहां पे एच की लिमिट लगेगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स की लगेगी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये चीज क्या बन जाएगी, ठीक, ये चीज बन जाएगी डी वाई बाय डी एक्स, ये चीज एज इट इज, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, दैट इज इक्वल टू, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा टेन थीटा, और पी क्यू जो है सीकेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में, यानी कि ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, राइट, अब ए पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ए पे बनने वाली जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो बेसिकली क्या मतलब निकला कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या, इस चीज का मतलब ये है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखना, मान लो फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये, ठीक है, ग्राफ पता होना जरूरी नहीं है, मैं बना के दिखा रहा हूं बस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा अपवर्ड, ठीक है, ये आएगा बाय द वे अभी एक दो चैप्टर के बाद तुम्हें ये ग्राफ भी करना है, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये, अब इसका dy by dx करो, तो dy by dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, राइट, तो अब देखो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 पे इसका डेरिवेटिव निकाला, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा, दैट इज dy by dx क्या बन जाएगा, दैट इज 4, 2 into 2 4 आ जाएगा, मतलब ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा 4, यानी कि उस टेंजेंट का जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसका tan थीटा होगा 4, हाँ जी। अब कहीं पर भी इसको समझने में कहीं पर कोई भी डाउट आया है तो प्लीज बताओ, प्लीज मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बट डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होता है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है,
यहां पर कोई भी डाउट है यहां तक तो कोई प्लीज बताओ, ये मीनिंग होता है डेरिवेटिव का और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ट्वेल्थ में एक पर्टिकुलर चैप्टर सिर्फ इस मीनिंग के ऊपर ही है हमारा, दैट्स इट। अगर ये मीनिंग अभी क्लियर हो गया तो वहां पे वो चैप्टर चुटकियों में सॉल्व होगा हमारा, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेरिवेटिव का हमें मीनिंग चाहिए 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 चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट है यहां पर तो प्लीज बताओ। अरमान yes, हाँ जी शुभी बोलो। सर जहां से आपने कहा कि h tends to 0 है और p पे टेंजेंट बनती जा रही है, वो वाले पॉइंट से देखो पता क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है, देखो शुभी इसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ना आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो ग्राफ ऐसा है, ये p पॉइंट है, ठीक है, ऐसा था। तो जैसे जैसे h 0 होगा यानी कि ये पॉइंट पहले इधर आएगा, यानी कि ये इधर आएगा, तीन चार चीजें एक साथ हो रही हैं, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, यानी कि लिमिटिंग केस में ये जो सीकेंट है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब साथ साथ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो रही है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये जो एंगल है ये कम होता जा रहा है, एंगल कम होते होते ये टेंजेंट का एंगल बन जाएगा, यस सर। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा, ओके सर। ना dy by dx जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप होता है, बात खत्म। वही चीज हमने एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है ना। तो रैंडमली कोई भी कर्व ले लो, उस कर्व का डेरिवेटिव करो, एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू पुट करो, तो वहां पे जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफिकली जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है चलो, तो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब हम स्ट्रेट लाइन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, जो कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं उनको याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमने ग्राफ बनाया था, ऐसा या ऐसा। हाँ जाना भाई, यस सर, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो साहब माइक ऑन रख, सर मेरे को ये बता, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो क्या रहेगी? सर हॉरिजॉन्टल। मतलब इसका स्लोप क्या होगा? सर जीरो। परफेक्ट, राइट। अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? सर जीरो। इसका नहीं, इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? सर टू एक्स। तो ये आ गया टू ए एक्स, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है। bx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव सर 1, तो b आ गया। c का डेरिवेटिव सर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सर 1, 0 0 0 0, तो ये डेरिवेटिव आ गया इंजन। बात समझा? अब मेरे को ये देखना है कि ये डेरिवेटिव कहां पे जीरो होगा, बात समझा? क्योंकि जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि इस कर्व के ऊपर कोई भी और पॉइंट नहीं आ रहा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो जा रहा, बात समझा? Yes, sir. Yes, sir. इसको किया जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, माइनस बी बाय टू है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पॉइंट का x क्या होगा, माइनस बी बाय टू है, माइनस बी बाय टू है। आई होप याद आया, ये याद आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या होते हैं सर? दूसरा होगा माइनस डिटरमिनेंट बाय फोर है, बाय फोर है। अब वो कैसे आएगा, वो तो इसको इधर पुट ही करना पड़ेगा, लेकिन पता चला डेरिवेटिव को यूज करके ये पॉइंट कैसे निकाला? यस yes, सर। हाँ जी प्लीज, बाकियों को क्लियर हुआ डेरिवेटिव को यूज करके ये पॉइंट कैसे निकाला वर्टेक्स का? यस सर। राइट, क्योंकि वहां पे वर्टेक्स पे वो टर्निंग पॉइंट है, वहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो कर दिया, वहां से पॉइंट निकाला कि कहां पे इसका हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट, कहां पे इसका टर्निंग पॉइंट आएगा। तो बेसिकली टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव को जीरो कर सकते हैं। और याद रखना, जो टर्निंग पॉइंट होता है वहीं पे तुम्हारा मिनिमम आता है या वहीं पे तुम्हारा मैक्सिमम आता है। तो फिजिक्स में भी तुम ये चीज कंसेप्ट यूज करते हो कि जहां पर तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है एक चीज का, तुम वहां पे डेरिवेटिव जीरो कर देते हो, याद आ रहा है? Yes, sir. वो इसीलिए करते हो, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है उसी पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा होता है, इसलिए तुम डेरिवेटिव निकाल के उसका जीरो कर देते हो, तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, ये उसका कंसेप्ट है। बात समझ में आई? राइट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था चीज, एक एक्स्ट्रा, ठीक है चलो। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।